मुश्ताक गनी ने 81 वोट्स हासिल किए। अहम खबर आपको दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुश्ताक गनी स्पीकर नामजद हो गए हैं। मुश्ताक गनी ने, आपको बताते हैं कि वोटों की जब गिनती मुकम्मल की गई तो उन्होंने 81 वोट्स हासिल किए गए हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में स्पीकर का इंतखाब होना था और वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ, वोटिंग की गिनती मुकम्मल हुई और मुश्ताक गनी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। जान लेते हैं हसन अली से। हसन अली बताएगा, मुश्ताक गनी मुंतखब कर लिए गए हैं स्पीकर? जी बिल्कुल, अभी ये बड़ी बहुत बड़ी कामयाबी से, बहुत बड़े वजन से वो स्पीकर जो है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, मुश्ताक गनी जो कि साबिक सूबाई वजीर इत्तला भी रह चुके हैं। और आज ये जो अभी नतीजा आया है स्पीकर के अहदे के लिए, इसमें अवामी नेशनल पार्टी के लई खान जो है इनके मद्दे मुकाबले थे, जो सिर्फ 27 वोट ले सके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्ताक गनी जो है उन्होंने 87 वोट लिए हैं, 87 वोट लेके वो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब हो गए हैं और अभी अपने अहदे का हल्फ उठा रहे हैं। हल्फ उठाने के बाद असेंबली की मजीद जितनी भी कार्रवाई है वो आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद डिप्टी स्पीकर के अहदे के लिए जो पोलिंग का अमल है वो शुरू किया जाएगा। तो अभी सूरत हाल ये है कि वो बिल्कुल बड़े मार्जिन से वो जीत चुके हैं और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब हो चुके हैं।